बांग्लादेश में जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो वहीं अब अचानक बांग्लादेश में एक और चिंगारी सुलग रही है। जिस ढाका यूनिवर्सिटी से बांग्लादेश में बवाल शुरू हुआ था, वहां फिर से एक बार हंगामा शुरू हो गया है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने ढाका यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया है। डॉक्टर्स ने यूनुस सरकार के सामने अपनी कई मांगे रखी है। तो बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए। अब ये मेडिकल स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये वही ढाका यूनिवर्सिटी है जो पहले भी कई आंदोलनों की जननी रही है। और शेख हसीना सरकार को गिराने का जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो भी ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ था। और अब यहाँ मेडिकल के जो छात्र हैं, वो अपनी मांगों को लेकर यूनुस सरकार का विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन, एक बार फिर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। मोहम्मद यूनुस, जो कि कार्यकारी इस समय सरकार चला रहे हैं, और उनके खिलाफ अब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन। और जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन थम नहीं रहा है। मेडिकल के स्टूडेंट है वो भारी नाराज है, सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी प्रदर्शन की वजह से बांग्लादेश में जो हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पोस्टर लिए ये तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये आपको सीधी तस्वीर है बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो आपको नजर आएंगे। ये आप देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर लिए नजर आ रहे हैं और बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। What do you want now? We want that our degree should be only for us. The doctorate degree they are wanting, they are demanding for doctorate degree. But that should be only for MBBS doctors. Do you want Bangladesh? Yeah, sure. Yes, we want. बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। बड़ी खबर, कट्टरपंथी इस्लामी भीड़ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर उतारू है। बांग्लादेश के ठाकुर गांव के देवीगंज के नापित पारा में हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। हिंदू समुदाय के लोग डरे हुए हैं और ये जो हिंसा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहां की सरकार, सेना, पुलिस सब नाकाम है। बड़ी बड़ी बातें मोहम्मद यूनुस के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वादा किया गया था, लेकिन इन कट्टरवादियों को, इन कट्टरपंथियों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। चांसलर से जबरन इस्तीफा लेने का आरोप है। सरकारी स्कूल से हिंदू टीचर से इस्तीफा लिया जा रहा है। हिंदू टीचर गौतम और गीतांजलि को भी हटा दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया है। हिंदू टीचर्स को, हिंदू लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को टारगेट किया जा रहा है।